Today's topic is directing. Directing is the fourth function of management. Directing provides movements to the organization. एक organization को movement की ओर ले जाने के लिए directing की ज़रूरत पड़ती है. Directing का meaning है, it refers to instructing, guiding, communicating and inspiring people in the organization. एक organization के लोगों को instructions देने में, guidelines देने में, उन लोगों को communicate करने में और उन लोगों को inspire करने में directing role play करता है. Directing का काम instructions देना है, guidelines देना है, communicate करना है और लोगों को motivation देना है. डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? डायरेक्टिंग की पहली फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. दिस फंक्शन प्रिपेयर ग्राउंड फॉर एक्शन. एक्शन की ओर ले जाने में डायरेक्टिंग जो है प्रॉपर रोल प्ले करता है. इसका मतलब है एक्शन में यदि हमें किसी को लाना है तो डायरेक्टिंग के जरिए लाया जाता है, क्योंकि डायरेक्टिंग से उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसे गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है और उसे इंस्पायर किया जाता है. तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, इसका मतलब है एक्शन में लाने के लिए डायरेक्टिंग प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है. सेकंड डायरेक्टिंग की फीचर है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग की ज़रूरत मैनेजमेंट के हर लेवल पे पड़ती है. डायरेक्टिंग इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. वो लेवल टॉप लेवल भी हो सकता है, वो लेवल मिडल लेवल भी हो सकता है और वो लेवल लोअर लेवल भी हो सकता है. डायरेक्टिंग के थर्ड फीचर है डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. कॉन्टीन्यूस का मतलब है बेटा लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. दिस इज़ नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस. ये काम ऐसा नहीं है जो हमें एक बार करना है एंड फॉर ऑल. ये काम हमें बार बार करना है, बट इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. जब किस काम को एक बार ना करके बार बार किया जाता है तो वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में रोल प्ले करता है. फोर्थ इसकी फीचर है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसका फ्लो लेवल, इसका प्रवाह जो है ऊपर से चलना शुरू होता है और नीचे की ओर आता है. इट्स फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एंड्स एट द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के आपने जब बेटा फर्स्ट चैप्टर में लेवल पढ़े थे तो तीन लेवल हमने पढ़े थे. एक लेवल था टॉप लेवल, दूसरा था मिडल लेवल, तीसरा था लोअर लेवल और लास्ट था सुपरवाइजरी लेवल. इसका मतलब ये स्टार्ट तो टॉप लेवल से होता है और जाता है नीचे के लेवल की ओर, जिस लेवल का नाम है सुपरवाइजरी लेवल. तो इसका फ्लो ऊपर से हमेशा नीचे की ओर आता है. डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस के पॉइंट क्या क्या हैं? पहला पॉइंट वही है जो आपने बेटा फीचर्स के पॉइंट में पढ़ा था, इनिशिएट एक्शन. इम्पोर्टेंस में भी पहला पॉइंट वही है, इट इनिशिएट एक्शन. इनिशिएट एक्शन का मतलब है एक्शन में लाने के लिए हमें डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टिंग के जरिए ही हम एम्प्लॉई को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और टाइमली उसे काम के लिए इंस्पायर करते हैं. दिस फंक्शंस प्रिपेयर ग्राउंड फॉर एक्शन. ये काम जो है एक्शन के लिए एक भूमि तैयार करता है, ग्राउंड तैयार करता है. इन एक्शन मैनेजर्स परफॉर्म दिस जॉब थ्रू डायरेक्शन. इस काम को करने के लिए मैनेजर्स टाइमली डायरेक्शन के जरिए अपने एम्प्लॉयज़ को एक्शन में लाने का काम करते हैं. जैसे क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस किसने करना है. तो एक्शन में लाने के लिए हमें हमेशा डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्टिंग यहाँ हमारी
काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी हेल्प करता है। सेकंड इसके इम्पोर्टेंस का पॉइंट है बेटा, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को जोड़ने में भी, इंटीग्रेट करने में भी डायरेक्टिंग प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल आर को रिलेटेड। डायरेक्टिंग में जितने भी लोग यूनिट में काम करते हैं, जिन्हें डायरेक्शन का काम दिया जाता है, उन सब की एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उनकी एक्टिविटीज़ कैसे जुड़ी हुई हैं, जैसे बेटा किसी काम को करने के लिए, मान लीजिए किसी दुकान में कोई काम किया जा रहा है और रेडीमेड गारमेंट की कोई दुकान है, तो रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में रेडीमेड कपड़े दिखाने का काम एक व्यक्ति का होगा। एक व्यक्ति जो है लोगों को वेलकम करेगा, एक व्यक्ति जो है लोगों को जो माल उन्होंने पसंद किया है उसकी पैकिंग का काम करेगा, एक व्यक्ति जो है पेमेंट से रिलेटेड काम करेगा कि पेमेंट कैसे होगी, और लास्ट में गुड बाय भी कहेगा, थैंक यू कह के उसको विदा करेगा। इसका मतलब जितने भी काम किए जा रहे हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जब काम एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में, जोड़ने में रोल प्ले करता है। सेकंड इसके इम्पोर्टेंस के बाद इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग के जरिए लोगों के मनोबल को बढ़ाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉई। डायरेक्टिंग का काम, डायरेक्शन देने का काम जिन एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है, वो एम्प्लॉई लोगों के मनोबल को बढ़ाने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करते हैं। क्यों रोल प्ले करते हैं? क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉई ही अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं और उनमें काम करने के प्रति पूरी अच्छे से ईमानदारी की फीलिंग आती है। मोटिवेटेड एम्प्लॉई वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड फील ऑफ बिलोंगिंगनेस। वर्क ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉई कैन बी एकम्प्लिश थ्रू डायरेक्टिंग। यहाँ एम्प्लॉई को मोटिवेशन एक ही चीज़ के द्वारा दिया जा सकता है और वो है प्रॉपर डायरेक्शन। डायरेक्शन देने में उस एम्प्लॉई को यदि मोटिवेशन देना है तो दो तरीके से उसे मोटिवेशन दिया जा सकता है। एक तो मोनेटरी इंसेंटिव्स के जरिए उसे मोटिवेशन दिया जा सकता है, और दूसरा उसे नॉन मोनेटरी जो मोटिवेशन के तरीके हैं उनसे उनको मोटिवेशन दिया जा सकता है। मोनेटरी का मतलब है उसका पैसा बढ़ा दिया जाए, नॉन मोनेटरी का मतलब है पैसे के बजाय उसे अदर फैसिलिटीज़ दे दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। चेंज को लाने में भी प्रॉपर डायरेक्शन रोल प्ले करती है। ऑफन एम्प्लॉयज शो रेजिस्टेंस टू चेंज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एम्प्लॉई हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और चेंज लाने के लिए भी बेटा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चेंज के लाने में टाइमली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, गाइडलाइंस दिए जाते हैं। दिस चेंजेस कैन बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। ये चेंजेस एक ही चीज़ से लाए जाएंगे और वो है हमारा डायरेक्टिंग। जैसे बेटा चेंज लाने के लिए आज के टाइम में जैसे कंप्यूटर्स आज चलते हैं, कंप्यूटर्स का आज का ज़माना है, पहले के टाइम में टाइपराइटर्स चलते थे। तो जब टाइपराइटर्स पे काम किया जाता था तो टाइपिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। आज कंप्यूटर पे काम चलता है तो कंप्यूटर के ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब उन एम्प्लॉयज़ को समझाया गया कि आज आपके डिमांड नहीं है टाइपिस्ट की, उन्हें कंप्यूटर का काम सिखाया गया। तो इस चेंज को लाने में भी टाइमली उन लोगों को डायरेक्शन दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस को लाने में भी डायरेक्शन रोल प्ले करता है। समटाइम्स देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कई बार इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच में कई बार मतभेद आ जाता है। इस मतभेद को दूर करना है तो उनके बीच में सेटलमेंट करनी पड़ेगी, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, और बैलेंस को बनाने में भी उन्हें टाइमली इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, गाइडलाइंस दी जाएंगी,
उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और उन्हें इंस्पायर किया जाएगा ताकि उनके बीच के क्लैशेस को कम किया जा सके। तो डायरेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैलेंस बनाने में भी प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट कितने हैं? डायरेक्टिंग के बेटा 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहले एलिमेंट का नाम है सुपरविज़न, दूसरे का नाम है कम्युनिकेशन, तीसरे का नाम है लीडरशिप और चौथे का नाम है मोटिवेशन। सुपरविज़न का मतलब है टू मोनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। रोज़ के रूटीन के वर्क की निगरानी करनी और जहाँ भी हमें लगता है कि काम जो है यूनिट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से चाहिए नहीं हो रहा तो वहाँ पर गाइडलाइंस दी जाती है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग जो की जाती है वो सुपरविज़न में की जाती है। सेकंड एलिमेंट था इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग है इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट एंड फीलिंग। एक फैक्ट को, एक आइडिया को, एक कोई भी हमारा कोई डाउट है उसे एक इंसान से जब हम दूसरे इंसान की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। और कम्युनिकेट करने में हमें अपने आइडियाज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को शिफ्ट करना पड़ेगा, या कोई भी फैक्ट है उसे एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और टाइमली उसे अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करनी है, उसे समझने की भी कोशिश करनी है। थर्ड एलिमेंट है हमारा बेटा लीडरशिप। टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन अ मैनर टू डू व्हाट लीडर वांट्स देम टू डू। एक लीडर में बेटा अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी होती है और एक लीडर अपने फॉलोअर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने फॉलोअर्स से जो काम करवाना चाहता है वो उससे करवा लेता है। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा मोटिवेशन का। मोटिवेशन का मीनिंग है दिस एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द वर्क। काम के प्रति जब हमें लोगों को प्रेरित करना है, उसके अंदर एक्साइटमेंट भरनी है, तो ये प्रेरित जो है एक ही चीज़ से किया जाता है और वो है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन से एम्प्लॉई को टाइमली प्रेरित किया जाता है, उसके अंदर काम के प्रति एक्साइटमेंट की फीलिंग भरी जाती है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट। उससे पहले मैंने बेटा आपको डायरेक्टिंग की फ़ीचर्स करवाई हैं, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस करवाई है।